क्या नाम आपका? मैं दीपक शर्मा, संस्थापक राष्ट्र स्वाभिमान दल। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगातार जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी, लगातार यहां के जो छात्र थे विश्व के कई जाने माने आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए जा रहे थे, और अब भारत देश के टुकड़े करने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले जिन्ना की फोटो को लेकर जिस तरह भारत से आजादी मांगी जा रही है, भारत से आजादी का मतलब कहीं एक और जगह की मांग की जा रही है कि हमें इस भारतवर्ष से अलग एक और कोई जगह दे दीजिए, आजादी के नाम पर जिन्ना के पद चिन्हों पर चलते हुए एक और पाकिस्तान की मांग की जा रही है, ऐसे देशद्रोहियों को या तो जेल में डालो या पाकिस्तान में भेज डालो। इस कार्य को पूरा क्या होने तक यहाँ का जो युवा है वो या तो जेल के अंदर हम रहेंगे या फिर जेल के अंदर वो रहेंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ आज हम अलीगढ़ की सड़कों पर उतरे हैं गिरफ्तारी देने के लिए। एसएसपी ऑफिस गिरफ्तारी जाने की देने की वजह, अगर देशद्रोही जेल में नहीं हो सकते तो फिर हमें गिरफ्तार कर लीजिए और हमें तब तक अंदर रखिए जब तक कि आपके अंदर देशद्रोहियों को गिरफ्तार करने की ताकत ना आ जाए। आपके अभी तो दो साथी गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, उन साथियों के साथ हमें भी अंदर जाना है, हम भी वहीं सुरक्षित हैं। ये बात बताइए, जब पुलिस भी आपकी है, ठीक है, और फिर भी पुलिस राष्ट्र की है, राष्ट्र की तो है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कैसे कर लिया फिर? है तो बीजेपी की नहीं, पुलिस राष्ट्र की होती है। जहां तक मेरा मानना है, पुलिस बीजेपी की नहीं हो सकती, सपा की नहीं हो सकती, कांग्रेस की नहीं हो सकती, पुलिस राष्ट्र की है। शासन तो अगर किसी दबाव में पुलिस के अधिकारी निर्दोष हिंदू भाइयों को फंसा रहे हैं तो हमारा उनसे कहना है, आइए, बहुत सारे हजारों युवा आज अलीगढ़ का तैयार है, आइए हम भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अगर आप निर्दोषों को ही जेल में डाल देंगे तो हम सारे निर्दोष जेल जाने के लिए तैयार हैं, हमें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। हटेगी या नहीं हटेगी? तब तक ये गिरफ्तारियां जारी रहेंगी जब तक कि जिन्ना जैसे देश तोड़ने वाले देशद्रोही का चित्र एक शिक्षण संस्थान से नहीं हटा दिया जाता। आज कितने लोग गिरफ्तारी देंगे आप? आज हम लगभग 400 से 500 की संख्या में हैं और सभी इस प्रतिज्ञा के साथ आए हैं कि हम तब तक जेल में रहेंगे जब तक कि जिन 300 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उन्हें पकड़कर अंदर नहीं डाल दिया जाता। क्या मोदी जी को लिखित में कहीं भेजा है? बिल्कुल, मोदी जी के पास मैंने मेल भी करवाई है, चाहे वो भाजपा कार्यालय हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे वो डीजीपी कार्यालय हो, मैंने हर जगह लेटर भेज दिया है कि या तो इन देशद्रोहियों को अरेस्ट करिए, अन्यथा हमें निर्दोषों को जेल में डालना है तो हमें जेल में डाल दीजिए। जिन्ना की तस्वीर पर एमयू के छात्रों का ये कहना है कि वो हमारे उसमें लगी हुई है, छात्र संघ के ऑफिस में, ठीक है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं, अगर मोदी जी आदेश दें तो, और या एचआरडी मिनिस्ट्री आदेश दे तो हम एक मिनट में जिन्ना की तस्वीर उतरवा देंगे। योगी जी, ये जो यूनिवर्सिटी है, योगी जी ने स्पष्ट बोल दिया है कि जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए। अगर इतने ही वो राष्ट्रभक्त लोग हैं तो राष्ट्रभक्ति मोदी की नहीं करनी है, इस भारत देश की करनी चाहिए। अगर देश तोड़ने वाले की तस्वीर वहां रहेगी, ये स्वीकार नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसको एचआरडी, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बात मोदी की क्यों है, बात तो देश की है। अगर देश तोड़ने वाले की तस्वीर किसी शिक्षण संस्थान में लगी है तो शायद इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती।